भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कप्तान अजिंक्य रहाणे 112 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें कि कप्तान रहाणे रन आउट हुए हैं। अजिंक्य रहाणे के इस तरह रन आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस बहुत निराश हुए और उन्होंने रविंद्र जडेजा को ट्रोल कर दिया। रहाणे जब तक शतक लगाकर क्रीज पर थे उस समय रविंद्र जडेजा के अर्धशतक के लिए उनके रन आउट होने को फैंस ने गैर जिम्मेदार बताया। आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने अपनी सातिर कप्तानी के बाद बल्लेबाजी के दौरान भी कमाल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ने धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया और भारतीय टीम को कंगारुओं पर बढ़त दिलाने में अहम रोल निभाया। कप्तान अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा के बीच 121 रनों की साझेदारी हुई। रहाणे अगर क्रीज पर होते तो भारत की बढ़त और भी विशाल होती, लेकिन टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 326 रनों पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया पर कुल 131 रन की बढ़त बनाई। 112 रन पर अजिंक्य रहाणे के रन आउट होने के बाद जडेजा को फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा। रविंद्र जडेजा खुद भी रहाणे को आउट होने के बाद 57 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में जडेजा पर सवाल उठ रहे हैं कि अर्धशतक बनाने के लिए इतनी भी क्या जल्दी थी।